हेलो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि गवर्नेंस किसको कहा जाता है। सो गवर्नेंस इंप्लाइज अ डिग्री ऑफ कंट्रोल टू बी एक्सरसाइज्ड बाय की स्टेक होल्डर्स रिप्रेजेंटेटिव्स। गवर्नेंस इज अबाउट गवर्निंग, इट इज नॉट मेयरली अबाउट ऑनरशिप और कंट्रोल ऑन द इंस्टीट्यूशन। इवन एन ऑनर हैज टू लर्न टू गवर्न। सो अ गुड governance implies that the institution or an organization or a company is run for the optimal benefit of its internal as well as external stakeholders. So learners, you can see the list of companies internal as well as external stakeholders on your screen. So these are the internal as well as external stakeholders of the company. So good governance take care of the benefit of its इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। 1991-92 में जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हुई तो उसके बाद बहुत सारी जो कंपनी थी वो अपने पब्लिक इशू मार्केट में लेके आई। बहुत सारे जो स्मॉल शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी जो थी इन कंपनीज में इन्वेस्ट की। बट दीज कंपनी दे लूटेड दी स्मॉल शेयर होल्डर्स, उन्होंने फाइनेंशियल लॉस डिक्लेयर कर दिया और बहुत सारी कंपनीज जो थी वो वैनिश हो गई। इवन जो उनके एड्रेसेस थे दे आर नॉट अवेलेबल विद द सेबी। सो यू कैन सी दिस इन दिस टेबल कि किस तरह से 91-92 में ओनली 195 जो पब्लिक इशू था वो मार्केट में आया था, बट 91-92 के बाद जो पब्लिक इशूज थे वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि किस तरह से राइज होना शुरू कर हो गए। So many of these companies, they betrayed the trust and confidence by not fulfilling the promises made to investor at the time of public issue. So इस time period पे ये जो term है corporate governance, ये limelight में आई, it gained prominence in the business world after accounting fraud of high profile companies was discovered, which was caused by lack of adequate governance mechanism. तो क्योंकि इनफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म था उसके कारण बहुत सारी जो हाई प्रोफाइल कंपनीज भी थी उन्होंने भी जो था शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड किया। तो पे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो टर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो लाइमलाइट में आ गई। सो इस सेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, देन डेफिनेशंस देखेंगे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत सारे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे जो कमिटीज बनी थी उन्होंने डेफिनेशंस दी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, उनको पढ़ेंगे। देन ओईसीडी के प्रिंसिपल्स भी हम देखेंगे और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस बाय विच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनीज स्टेक होल्डर्स। तो इसमें जो कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को कंपनीज किस तरह से मैनेज करती है। देन द एम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अटेनिंग अ कंपनीज ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग इट्स ओवरऑल स्ट्रेटेजी, इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द गवर्नेंस, while proxy advisors and shareholders are important stakeholders who can affect the governance. Next hum dekhte hain ki definition corporate governance pe. So OECD described corporate governance as a set of relationship between a company's board, its shareholders and other stakeholders. It also provides the structure through which the objectives of company are set and the means of attaining these objectives and monitoring performance are determined. Agli definition hai Sir Adrian Cadbury ki. Sir Adrian Cadbury jo the wo Cadbury committee, famous Cadbury committee on corporate governance, uske chairman rahe. To Sir Adrian Cadbury said corporate governance is concerned with holding the balance between economic and social goals and between individual and community goals. The aim is to align as nearly as possible the interest of individuals, corporation and society.
So from these two definitions, it is clear that corporate governance is concerned both with internal control of a company as well as its external aspects, such as company's relationship with its shareholder and other stakeholders. इसके बाद आती है एडवाइजरी, आरबीआई एडवाइजरी ग्रुप की डेफिनेशन. सो आरबीआई के जो एडवाइजरी ग्रुप था उसने अपनी रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अपनी रिपोर्ट दी थी मार्च 2001 में. आरबीआई एडवाइजरी ग्रुप डिफाइन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज द सिस्टम बाय विच बिजनेस एंटिटीज आर मोनिटर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड. सो अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी ग्रुप, अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वन दैट एनकरेजेस mutual relationship among the shareholders, executive directors and board of directors so that the company is managed efficiently and the rewards are equitably shared among shareholders and stakeholders. Next, aap apni screen pe dekh sakte ho list of various committees on corporate governance. So all over world mein corporate governance ko leke bahut sari committees bani thi. इन्होंने अपनी रिपोर्ट कोड्स जो थे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे दिए थे. तो यू कैन सी द लिस्ट ऑफ वेरियस कमिटीज. नेक्स्ट इज द ओईसीडी प्रिंसिपल्स. ओईसीडी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट. सो ओईसीडी जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 38 मेंबर कंट्रीज है. सो ओईसीडी ने 1999 में प्रिंसिपल्स रिलीज किए थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल रिलीज किए विच हैव बीन एक्सेप्टेड एज एन इंटरनेशनल बेंचमार्क. द ओईसीडी प्रिंसिपल्स लाइक अदर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिजीम्स प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ नॉट ओनली द शेयर होल्डर बट ऑल्सो स्टेक होल्डर्स लाइक एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड एनवायरमेंट. And also aim to enhance the accountability and transparency of the companies. So, अब हम पढ़ते हैं कि OECD के principle क्या थे. So, OECD के principles आप देख सकते हो अपनी screen पे, ये 6 principles हैं OECD के. So, first one is ensuring the basis for an effective corporate governance framework. Companies should have a clear legal and regulatory framework that supports effective corporate governance. So, pehla principle kehta hai ki companies ka jo legal or regulatory framework hai, legal or regulatory environment hai, wo clear hona chahiye kyunki wohi kisi bhi company, wohi companies ke effective corporate governance ka base hota hai. India ki hum baat kare to Indian companies ko Companies Act 2013 govern karta hai aur SEBI jo hai wo Indian companies ko regulate karta hai. The rights of shareholders should be protected and their equitable treatment should be ensured. Then second principle jo hai, that talks about the basic right of shareholders. So right of shareholders include, the first right is right to secure methods of ownership registration. So jo jin shareholders ke paas companies ke share hote hai, unko jo shareholders ki ownership registration hai वो सिक्योर हो. सो इसके लिए सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन एंड क्लियरिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया. कंपनीज जब भी अपना पब्लिक कंपनी जब भी शेयर करती है मार्केट में इशू करती है तो अपने जो शेयर होल्डर की लिस्ट है वो इस इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करती है और साथ में ये गारंटी करती है, गारंटी देती है कि जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है और वैलिड है. तो इस तरह से जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी ऑनरशिप रजिस्ट्रेशन को सिक्योर किया जाता है. देन सेकेंड राइट इज राइट टू कन्वे और ट्रांसफर शेयर्स. दूसरा राइट है कि शेयर होल्डर्स अपने जो शेयर है वो सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं. देन थर्ड इज राइट टू ऑब्टेन एंड मटीरियल इंफॉर्मेशन ऑन द कॉर्पोरेशन ऑन अ टाइमली एंड रेगुलर बेसिस कि जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी से कोई भी मटीरियल इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन किसी भी टाइम मांग सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी शेयर होल्डर को इंफॉर्मेशन चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन क्या है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन से, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन से, उनको किस बेसिस पे रेमुनरेशन दिया जाता है. तो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स कैन ऑब्टेन फ्रॉम द कंपनी. या इसके अलावा अगर उसको कोई फाइनेंशियल मैटर्स पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन भी शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी से मांग सकते हैं. ये उनका बेसिक राइट है. देन पार्टिसिपेट, राइट टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन जनरल शेयर होल्डर्स मीटिंग. शेयर होल्डर्स का
इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है कि वो कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट करें और उसमें उनको वोटिंग का भी राइट होता है. देन राइट टू इलेक्ट एंड रिमूव मेंबर्स ऑफ द बोर्ड. इसके अलावा शेयर होल्डर्स जो होते हैं जो मीटिंग्स में बोर्ड ऑफ मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उनके पास ये राइट होता है. एंड देन इज राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशन. इसके अलावा उनके पास जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं उसको शेयर करने का भी राइट होता है. तो थ्रू डिविडेंड जो कंपनीज जो होती है वो अपने जो प्रॉफिट्स है शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है. देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स. तो नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो नेक्स्ट जो सिद्धांत है OECD का वो बात करता है इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स. द कंपनी इंश्योर्स दैट ऑल शेयर होल्डर्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड द लॉ शुड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन अमंग डिफरेंट शेयर होल्डर्स होल्डिंग अ गिवन क्लास और टाइप्स ऑफ शेयर. तो तीसरा सिद्धांत कहता है कि सब शेयर होल्डर्स के साथ वेदर दे आर माइनॉरिटी शेयर होल्डर और मेजोरिटी शेयर होल्डर या ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ शेयर, इन सब शेयर होल्डर के साथ कंपनी जो है वो इक्विटेबल इक्वल ट्रीटमेंट करेगी. किसी भी शेयर होल्डर के साथ किसी भी तरह की कोई डिस्टिंक्शन नहीं की जाएगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. एनी चेंजेस इन वोटिंग राइट ऑफ कॉमन शेयर होल्डर्स कैन बी डन ओनली विद द कंसेंट ऑफ दोज शेयर होल्डर्स. अगर कंपनी किसी भी शेयर होल्डर के वोटिंग राइट में किसी तरह की चेंजेस करती है तो उसके लिए उसे सबसे पहले इन शेयर होल्डर्स से कंसेंट लेनी पड़ेगी. देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स. द कॉर्पोरेट शुड रिकोगनाइज द राइट ऑफ स्टेक होल्डर्स इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट्स एंड इंकरेज एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन कॉर्पोरेशन एंड स्टेक होल्डर्स इन क्रिएटिंग वेल्थ, जॉब एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियली साउंड एंटरप्राइजेस. सो स्टेक होल्डर के साथ जो कंपनीज को एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे इम्प्लॉयज़ है कंपनी के, तो इम्प्लॉयज़ दे शुड बी इंफॉर्म्ड अबाउट द कंपनी. तो इम्प्लॉयज़ को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. इसके अलावा कंपनी और इम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्स्टेंट डायलॉग जो है वो रहना चाहिए. क्रेडिटर्स जो होते हैं कंपनी के, उनके भी इंटरेस्ट को शेयर होल्डर कंपनी को प्रोटेक्ट करना चाहिए. इसके अलावा जो ऑडिटर्स हैं उनको कंपनी को ऑडिटर्स को कंपनी को जो है कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए. तो इस तरह से जब कंपनी और स्टेक होल्डर्स के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है तो दैट इज गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट द डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी. So the corporate should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding the corporation, including the financial situation, performance, ownership and governance of the companies. So agla jo principle hai siddhant hai wo kehta hai ki company ko koi bhi information hai wo timely disclose karni chahiye aur uski jo bhi matters hai उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. वो मैटर्स फाइनेंशियल से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी लेके हो सकते हैं, ऑनरशिप को भी लेके हो सकते हैं या गवर्नेंस को भी लेके हो सकती है. तो कंपनी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. सो जब कंपनी किसी भी कंपनी में ट्रांसपेरेंसी होती है तो दैट इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग द मैनेजर्स एंड ऑल्सो इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन हेल्प टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन असिमेट्री बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स. तो मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में जो असिमेट्री होती है, इंफॉर्मेशन असिमेट्री होती है, वो इस ट्रांसपेरेंसी के कारण, डिस्क्लोजर्स के कारण कम होती है. नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड. द नेक्स्ट प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड. बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. द कॉर्पोरेट शुड इंश्योर दैट बोर्ड मस्ट मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑल्सो द रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स आर मैक्सिमाइज्ड. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी के, वो टाइम टू टाइम जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करे और शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करे. ट्रू इंडिपेंडेंस ऑफ द बोर्ड कैन बी इंश्योर्ड बाय हैविंग अ मेजोरिटी ऑफ आउटसाइड डायरेक्टर्स हु डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट विद द कंपनी. और ये माना जाता है कि जितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे बोर्ड में, उतनी ही बोर्ड जो है वो अनबायस्ड होगी, उतना ही जो बोर्ड है वो फेयर डिसीजन लेगी. अगर उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, कोई इन्वॉल्वमेंट है कंपनी में, तो
एक बायसनेस आ जाती है डायरेक्टर्स में. सो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी में, उसमें जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स हो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द OECD. नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए. इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एग्जाम्स में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है. तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, और हो सके तो इसके कुछ जो पॉइंट्स है उन वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स सेक्शन है उसमें मुझे भेजिएगा. सो लर्नर, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. अपने नेक्स्ट सेशन में हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके गाइडलाइंस इशू की है कंपनीज के लिए, जो वॉलंटरी गाइडलाइंस दी है कंपनीज के लिए, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग.